हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी इन लॉ, लॉ का पेपर। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना ज़रूरी है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पेपर से पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, हर 2-3 साल बाद काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं, और अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फुल पेपर देखेंगे और इसके आंसर भी देखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन का हम देखने का प्रयास करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो छूट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ के पेपर मिल जाएँ। इससे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLM का पेपर देख चुके हैं और 2019-18 दोनों LLM के पेपर शायद देख चुके हैं, और इससे पहले हम जुडिशरी के पेपर भी देख चुके हैं, MP, UP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि लॉ की आल वीडियो आपके पास आ जाए। तो शुरू करते हैं। तो 2019 का दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD लॉ का हमें पेपर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में है, केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग अ लाइफ ऑफ अ सोशल लिमिट। तो यह 4 ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ID है 38494, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर था। तो थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, मतलब थर्ड ओनली। तो यह राइट था कि केस स्टडी इज अ डॉक्ट्रिनल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट्स अ कंटेम्प्ररी फिनोमेना विद इट्स रियल लाइफ कंटेस्ट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें यह पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन में है, लीगल रिसर्च में आइडेंटिफाई एरियाज वेयर सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका राइट आंसर है ओनली 4th, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ID यह दी गई है। तो ओनली 4, मतलब लीगल रिसर्च इज ऑलवेज डॉक्ट्रिनल, यह गलत है। तो इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें सही नहीं गलत बताना पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत वाले हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, उनमें से कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि टॉपिक, ताकि आपका टाइम जाए। प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस या प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब राइट आंसर है थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। और हम क्वेश्चन पेपर को और डिटेल में देख सकते थे, लेकिन टाइम काफ़ी कम है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एम्पीरिकल रिसर्च। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 and 4, मतलब कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 1, 3 और 4 इसमें से सही है। तो मतलब पहला ये सही है, 3rd सही है और 4th सही है। तो अगर आप LLB LLM के स्टूडेंट हैं या PhD करने जा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। तो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर लिस्टेड इन आर्टिकल 13 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है, ICJ हैज अ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है, ओनली स्टेट्स में पार्टीज इन अ केसेस बिफोर द ICJ। तो यह इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर है जो इसका राइट आंसर है, वो हमें गलत बताना था कि इनमें से गलत कौन है। तो 4 वाला है जो गलत है। तो यह इस प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमसे इनकरेक्ट पूछा जाएगा। यह इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको बता दूं, ज़्यादातर एंट्रेंस में, चाहे वो LLM हो या PhD हो, इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जबकि बैचलर प्रोग्राम में यह ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करंट अबाउट ह्यूगो ग्रोसियस। ग्रोसियस काफ़ी महान है, आपने इन्हें सुना होगा।
इनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनके बारे में है जो सही, ही सेकुलराइज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर एंड कंसीडर्ड इट एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो इस प्रकार से इनका यह राइट आंसर है जो हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इनका राइट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह PhD का पेपर हम देख रहे हैं, हमें यह क्वेश्चन पेपर रटना नहीं है, हमें एनालाइज करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है यह बताना है। और जो सही है उसकी ऑप्शन ID है 38572, मतलब ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि सेकेंड और थर्ड है जो वो सही है, सेकेंड और थर्ड है जो सही है, तो सेकेंड और थर्ड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसमें हमें सही कथन बताना था। अब देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ अ सेंसस एंड सैम्पलिंग इज वन ऑफ द सेम थिंग, यह गलत है, मतलब कि इसमें यह राइट आंसर है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह रिपीटेबल क्वेश्चन है और शायद LLM एग्जाम में हमने इसको देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज नॉट बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ऑप्शन में है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पेनल कोड 1860, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट 2013, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे पाक्सो एक्ट भी कहते हैं, 2012। तो राइट आंसर है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर 3 इज आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू आर वॉचिंग द PhD लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट एज फार एज द लॉ इन जुडिशियल एग्जाम इज कंसर्न। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जो टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्रिन है उसमें इसमें से क्या गलत है। 3 चीज़ें सही हैं, 1 गलत है, वो आपको बताना है। वो है डज नॉट अप्लाई टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज आर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे PhD के 11 क्वेश्चन को। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आर्टिकल 361A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच कन्फर्म्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इवन टू पब्लिकेशन मेड मेलाफाइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इनमें से कौन सा मैरिज का जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स का एक कारण नहीं है। तो उसका ऑप्शन है रिस्पॉन्डेड इज कनेक्टेड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है जो कि है वेयर हैज इंडिया बीन पुट स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑन IP प्रिपेयर्ड बाय USTR ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन 2019। सो द राइट आंसर इज प्रायोरिटी वॉच लिस्ट PWL। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 वेयर अ विडोअर और अ बैचलर एडॉप्ट अ चाइल्ड एनी लेडी हुम ही सब्सिक्वेंटली मैरी सेल, तो इसका राइट आंसर है वी द स्टेप मदर ऑफ द एडॉप्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे और वो है नो पर्सन कैन होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इन मोर देन, तो 10 पब्लिक कंपनीज एट अ टाइम, कोई भी व्यक्ति 10 कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता एक टाइम पर। मोर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा कंपनियों का डायरेक्टर एक समय पर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज़ का राइट आंसर है आइडेंटिफाइज रूट केस ऑफ अ प्रॉब्लम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर, तो इसका राइट आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड इन फ्रेमिंग रिसर्च डिजाइन फॉर एम्पिरिकल स्टडी इन द करेक्ट ऑर्डर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ID 38517, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लॉ इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कस्टम एंड पॉपुलर फेथ, नेक्स्ट बाय जुडिशियल डिसीजन,
Every food therefore by internal silently operating powers, not by the arbitrary will of a lawgiver, this statement was made by. Option में Henry Mann, Sabine, Kelsen और Montesquieu. तो Sabine is a right answer of this question. So Sabine option number 2 is a right answer of this question. हम देखेंगे next question. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया था. इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियाज डिस्कशन पेपर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जून 2018 बाय इशूड बाय. तो किसके द्वारा इशू किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नीति आयोग. तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे और आंसर है इसका नीति आयोग. जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नीति आयोग का फुल फॉर्म एसएससी लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है डाटा सेट हैज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका राइट आंसर है व्हेन मीन मीडियन एंड मोड ऑफ एक्सेस आर नॉट द सेम. नेक्स्ट है जॉइन डू ऑर्डर्स आर पास्ड बाय द कोर्ट. तो इसका राइट आंसर है अगेंस्ट एनोनिमस एंटिटी और एंटिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल डज नॉट प्रोवाइड फ्री फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट टू एन एसिड अटैक विक्टिम देन द एक्ट ऑफ एन इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल इज पनिशेबल अंडर. तो उसको पनिश किया जाएगा सेक्शन 166 बी ऑफ द IPC. अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड वी टू मैनेज हिज एंटायर वर्क. तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज डिफाइंड ownership as a right over a determinate thing indefinite in point of a user, unrestricted in a point of disposition and unlimited in the point of duration. तो इसका राइट आंसर है जॉन ऑस्टिन. ऑप्शन में सालमेंट था और ऑस्क्यू था.